हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में फिर से हम लोग सीखने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। एमएस वर्ड में जो पैराग्राफ ग्रुप में जो ऑप्शन है उसका क्या यूज है, कैसे हम लोग करते हैं। जैसे पिछले क्लासेस में हमने बताया था, समझाया था, कुछ ऑप्शन बाकी थे जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने एमएस वर्ड को ओपन किया और एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था कहाँ तक, वो हमने पढ़ाया था इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन, ठीक है। देखिए इसी के बगल में एक ऑप्शन है, वह है सॉर्ट। अब सॉर्ट का यूज क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब सॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल हम एमएस वर्ड में या अदर किसी सॉफ्टवेयर में उस कंडीशन में करते हैं जब अपने डॉक्यूमेंट को हमको सॉर्ट करना होता है। अब सॉर्ट करने का मतलब समझिएगा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे स्टार्टिंग में असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हिंदी में कहा जाए आरोही और अवरोही, सुने हो ना। मींस अगर हम कोई डाटा बनाते हैं और उस डाटा को बनाने के बाद से हमको बढ़ते क्रम में दिखाना है या हमको घटते क्रम में दिखाना है, तो वहां पे एमएस वर्ड में जो शॉर्ट ऑप्शन है प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो सीरियल वाइज कोई डाटा बनाए 1 2 3 4 5 करके, लेकिन मैं सोच रहा नो, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है 5 4 3 2 1। या सपोज मान लीजिए हमने कोई बहुत बड़ा सा डाटा बनाया है, कभी ए के नाम से डाटा बनाया है, कभी बी के नाम से, कहीं डी के नाम से, कभी एस के नाम से, कभी आर के नाम से, इधर उधर बनाया हमने, और हम सोच रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए, अल्फाबेट सही हो जाए, पहले ए वाला आए तब बी वाला आए तब सी वाला आए तब डी वाला आए, उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेट वाइज हमने कोई डाटा बनाया है, ठीक, 1 तारीख का बनाया, 5 तारीख का बनाया, फिर से 2 तारीख का बनाया, फिर से 4 तारीख का बनाया, फिर से 10 तारीख का बनाया, फिर से 1 तारीख का बनाया, तो ऐसे हमको क्या करना है अपने डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, उस कंडीशन लोग क्या करते हैं शॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 क्या है असेंडिंग ऑर्डर और 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगर आप कोई डाटा बना लेते हो और हमेशा आपको रिक्वायरमेंट होगा, कहीं काम करोगे आपको डाटा मिल जाता, देखते हो स्कूलों में लिस्ट आता है, जो तो लिस्ट तो ऐसा तो है नहीं सारे स्टूडेंट एक ही बार नाम लिखवाए होंगे, ये वाले सभी लोग एक साथ लिखवाए होंगे, लेकिन बाद में जब लिस्ट बन के आता है तो देखे होगे, जब लिस्ट चिपकाया जाता है ए वाला एक पास रहता है, बी वाले एक पास रहते हैं, या एक ही पर्चे में ए वाला सबसे ऊपर, बी वाला सबसे नीचे, उसके बाद सी वाले नीचे, मींस अल्फाबेट वाइज हम लोग क्या करते हैं डाटा को सॉर्ट करते हैं, और कहीं ऐसा ही रूल होता है सिस्टमेटिक तरीके से, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। तो जहां नंबर की बात करें, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो उसको फर्स्ट देना है तो वहां पर डिसेंडिंग करेंगे, लेकिन सबसे जो लोएस्ट वैल्यू उसको फर्स्ट देना है तो वहां पर असेंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते क्रम में दिखाना या घटते क्रम में दिखाना आपके ऊपर है, कैसे दिखाना चाहते हैं, तो वह कैसे उपयोग करेंगे ये हम सीखने वाले। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं तीनों बताता हूँ, टेक्स्ट भी बता देता हूँ, नंबर भी बता देता हूँ और डेट भी बता देता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई डाटा बना रहा हूं, यहाँ पे हमने लिख दिया राहुल, समझने को, क्योंकि इससे इजी समझ में आएगा। इस इंटर बटन दबाया, हमने बोल दिया अजय, उसके बाद से हमने बना दिया चंदन, उसके बाद से चंदन कह रहा गलती चंदा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद से यहां पे हमने क्या कर लिया सुरेश, उसके बाद से हमने बना दिया रमेश, उसके बाद से हमने बता दिया, चलो कमलेश बना दें, ये भी गलत है, कमेश, ध्यान दीजिए इतना हमने बना दिया। और हमें सोच रहा हूं जो डाटा हमने बनाया है वो सिस्टमेटिक तरीके से आ जाए। फॉर एग्जांपल, पहले ए वाला तब बी वाला तब सी वाला तब डी वाला, तो आप बताओ यहाँ पे कहीं बी वाला डाटा है क्या, नहीं, ए को पहले खोजेगा तो बी को खोजेगा, बी नहीं है तो सी को खोजेगा, तो रियल में अगर हम सॉर्ट करें तो कैसे होगा, पहले ए आएगा तब क्या आएगा सी आएगा, उसके बाद के आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद यस आएगा, कुछ ऐसा डाटा वाला सॉर्ट होगा।
तो चलिए हम करके देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से आ जाते हैं सॉर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो जैसे हम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो आ गया पैराग्राफ 60 बाई और यहाँ पे टाइप क्या है, यह टेक्स्ट है। क्या है जी? टेक्स्ट है। और हमको किस में देखना है? असेंडिंग ऑर्डर में, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ना इस समय असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, इधर उधर हमने डाटा लिखा है। हम करते क्या है? असेंडिंग और कर देते ओके। अब देखिए जैसे असेंडिंग किया तो हुआ क्या, देखो ए सी के आर तब यस, क्लियर है। अगर इसको हम डिसेंडिंग कर दे तो यहां से क्लिक किया और कर दिया इस बार डिसेंडिंग। अब देखो यस आर, अब कहोगे सर आर से नाम दोनों है, तो देखो उसके बाद दूसरा वर्ड खोजेगा कि उसके बाद कौन सा पहले आता है। ठीक है, हम कर देते क्या ओके। देखो सुरेश रमेश राहुल ऐसे एक एक करके आ गए, क्लियर है ना। यह तरीका है। अगर मान लो कोई नंबरिंग हम लगा दिए तो सपोज मैं यहाँ पे नंबर भी दे देता हूं कुछ 1 3 7 5 2 4 9 8 कुछ ऐसा हमने कर दिया और हम सोच रहे गलती से हमने लिख दिया या पहले लिखा था, आज सही करना हमको। इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, देखो अपने आप आ गया नंबर। तो समझ गया क्या है? नंबर है। अब डिसेंडिंग रखना है, असेंडिंग, बोला असेंडिंग 1 2 3 ऐसे करके आए तो असेंडिंग किया और कर देंगे ओके। देखिए 1 2 3 4 5 7 8 9 क्लियर है। तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग करें तो क्लिक किया डिसेंडिंग ओके, तो 9 8 7 5 4 3 2 1 क्लियर है। चलो अगर मान लो डेट वाइज कोई डाटा बनाया तब उसके लिए क्या करेंगे? अगर हम डेट वाइज कोई डाटा बनाए हैं इसके लिए सबसे पहले हमको डेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डेट। कैसे लिखे? तो चलो मैंने डेट का फॉर्मेट कुछ बना लेते हैं 01 02 08 और 05 08 और कर देते हैं 3। ठीक है, और इस पे हमको चेंजिंग करना है, थोड़ा साइज को हम बड़ा कर लेते हैं और इस पे हम लोग सॉर्ट करते हैं सेलेक्ट सॉर्ट। तो अपने आप देखो यहाँ पे समझ गए डेट है, क्लियर है। और उसके बाद करेंगे क्या यहाँ पे असेंडिंग, तो असेंडिंग में नहीं है ना, इधर उधर है, क्या कर देंगे ओके 1 2 3 5 क्लियर है। बोले इसमें से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हम लोग सीखने वाले हैं शो और हाइड के बारे में और इसका शॉर्टकट की बताया जा रहा है कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक। एमएस वर्ड में शो और हाइड का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में करते हैं जब किसी फॉर्मेटिंग को शो कराना हो, फॉर एग्जांपल मार्क एंट्री लगाया हो या कितना बार हमने स्पेस बटन दबाया है या कितना बार हमने इंटर बटन दबाया है, एक बार हम शो करके देखना चाहते हैं या हाइड करके देखना चाहते हैं तो इसको आसानी तरीके से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कई बार स्पेस बटन दबा रहा हूँ, तब टैब बटन दबा रहा हूँ और इंटर बटन इंटर इंटर इंटर, तो होता क्या है वह साइन के सहारे बता सकता है। ठीक है, जब स्पेस दिखाएगा तो डॉट डॉट करके दिखाएगा, टैब दिखाएगा तो एरो की के दिखाएगा और जब इंटर दिखाएगा तो फॉर्मेटिंग जो हमने बनाया है शो और हाइड वैसे करके दिखाएगा। जैसे हम क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे देखिए बताया जा रहा है कि आपने स्पेस इतना बार बताया, डॉट 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 दिखाया जा रहा है, टैब आपने इतना बार दबाया है और इंटर 1 2 3 4 तो जितना बार देखिए मैं फिर से इंटर बटन दबा रहा हूं, ऐसे इंटर बताया जा रहा है। लेकिन मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं और यहां पे इसको हाइड कर रहा हूं और हाइड करने बाद मैं स्पेस बटन दबा दे रहा हूं इसमें और टैब बटन दबा दे रहा हूं। अब देखिए क्लिक करता हूं तो देखिए बताया जा रहा है यहां पे कि इन्होंने क्या किया है, स्पेस भी दबाया है, टैब भी दबाया, उसके बाद इंटर बटन दबा के नीचे वाली लाइन पे आया, क्लियर है ना। तो ऐसे हम लोग एक बार में पता कर सकते हैं, कोई पूछेगा तो तुरंत बता सकते हैं। आप कहो सर क्या कोई लिखा हुआ टेक्स्ट उसमें पता करना हो तो किया जा सकता है। जैसे हम कंट्रोल एन करते हैं और कर देते हैं क्या, इसको हाइड करते कुछ टाइम के लिए,
और इक्वल करते हैं, रैंड करते हैं, ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट को बंद और इंटर, ला दिया हमने इतना। अब हमको चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहां से क्लिक कर दिया। तो देखिए जहां जहां पे स्पेस से देखो डॉट 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 बना हुआ है, दिख रहा सबको, और जहां जहां पे लाइनिंग इंटर किया है मैंने, देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन टैब बटन हमने दबाया है, नहीं दबाया, चलो मैं एक बार दबा के दिखाता हूँ आपको। टैब यहाँ पे, टैब आया है रुकी, यह इंडिकेट कर रहा है टैब बटन दबाया गया, और यह इंडिकेट कर रहा है क्या, स्पेस दबाया गया, और यह इंडिकेट कर रहा है कितना बार इंटर हमने बटन दबाया। तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रियल में इसका प्रयोग सिंबल के लिए भी करते हैं, सिंबल दिखाने के लिए भी करते हैं। लेकिन आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, रिव्यू टाइम में एक ऑप्शन है, रिव्यू में रिफरेंस में मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है, बस आप समझिए फॉर्मेटिंग को शो और हाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, शॉर्टकट की के सारे में बता दे रहा हूँ कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कंट्रोल प्लस और एसटी बटन दबाएंगे, देखो शो हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एसटी बटन दबाएंगे तो हाइड हो जाएगा। ऐसे और शो और हाइड किया जा सकता है आसानी तरीके से। क्लियर है, हो जाएगा ना बाबू। चलिए नेक्स्ट, तो यह पैराग्राफ में हमने इतना ऑप्शन पढ़ाया समझाया, चलिए नेक्स्ट नीचे आते हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगला देखो ऑप्शन है, वह है अलाइन लेफ्ट सेंटर, ठीक है राइट, उसके बाद से है जस्टिफाई। ये तो हमने पिछले क्लास में भी समझाया था और बताया था, क्या अगर अलाइनमेंट लेफ्ट में करना है तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एल, अगर सेंटर में करना है तो कंट्रोल प्लस ई, अगर हमको राइट में करना है तो कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए हम ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, या मैं अलग लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज मैं एक कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर लिखा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, और सपोज मैं देखो जो अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट वो क्या है, लेफ्ट है, और मैं सोच रहा हूँ तुरंत ट्रांसफर कर दे कहाँ पे, राइट में, तो यहाँ पे हम लोग राइट पे क्लिक कर देंगे, राइट में चला आएगा, और हम सोच रहे हैं सेंटर कर दें तो सेंटर में आ जाएगा, और हम सब सोच रहे हैं फिर से लेफ्ट कर दें तो लेफ्ट में आ जाएगा, और कहीं पे हमको करना है लेफ्ट और राइट दोनों को अपने हिसाब से बहुत करना है, जिसके लिए जस्टिफाई कर देंगे। मींस जैसे यहाँ पे देखिए, जब इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा जस्टिफाई, तो देखिए यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे गया है, और यहाँ से भी स्टार्टिंग पॉइंट आया और यहाँ से गया है। मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, क्या अलाइनमेंट। देखिए इसका कम ज्यादा है, इसका देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, इसका यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट इक्वल है लेकिन राइट अलाइनमेंट इक्वल नहीं है। तो अगर हम राइट का इस्तेमाल करते हैं तो राइट में इक्वल हो जाएगा कुछ ऐसा, और लेफ्ट में इधर उधर हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं लेफ्ट में भी इक्वल हो और राइट में भी इक्वल हो, इसके लिए करते क्या है, जस्टिफाई। तो देखिए यहाँ पे भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंड पॉइंट, यहाँ का भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, और यहाँ का भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। अब कहो सर क्यों यहां तक आया, क्योंकि इतना ही टेक्स्ट था इसमें। क्लियर है ना। अब चलिए कोई कहे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके दिखा दीजिए, तो बहुत सिंपल है, सेलेक्ट करेंगे और हमको मान लो सेंटर में करना है तो करेंगे कंट्रोल प्लस ई, राइट करना है तो कंट्रोल प्लस आर, और लेफ्ट करना है कंट्रोल प्लस एल, और अगर मान लो सेंटर में है जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे। क्लियर है, अगर जिनको पता नहीं है वो लिख लेंगे। अलाइनमेंट टेक्स्ट के लिए होता है लेफ्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे। लिखवाना पड़ेगा कि लिखवाया हूं मैं आपको जी, तो यह करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ओके नेक्स्ट, अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वो ऑप्शन है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग, मतलब लाइन के और पैराग्राफ के बीच अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने लाइन लिखा है थोड़ा और दूरी पे लिखे, स्पेस थोड़ा ज्यादा दे, तो हम आएंगे लाइन स्पेसिंग पे और यहाँ पे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब जितना सेलेक्ट करेंगे उसी पे फर्क पड़ेगा। ओके हम थोड़ा कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, तो ऐसे लाइनिंग के बीच हम स्पेस दे सकते हैं कितना देना है। अगर हम सोच रहे वैसे दो जो पैराग्राफ हैं इनके बीच स्पेस देना, जैसे मान लो यह पैराग्राफ और यह पैराग्राफ,
दोनों के बीच हमको स्पेस देना है, ज्यादा देना है थोड़ा, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने बाद यहाँ पे आएंगे और आने बाद देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐसे क्लिक करते कुछ ऐसा आ रहा है, क्लिक करना, और भी हमको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और रिमूव कर देते एक बार, और छोटा हो जाएगा, देखो देखो पास में चिपक जाएगा, दिख रहा है, ये दोनों किनारे देखो आपस में आ गए हैं सर। लेकिन अगर मालूम को थोड़ा दूर करना है तो क्लिक करेंगे और एड स्पेस क्लिक कर दिया तो देखो इतना दूरी पे आ गया। अगर कम करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइन और पैराग्राफ के बीच क्या कर सकते हो जी, स्पेस दे सकते हो जाएगा। चलिए नहीं, इसके सबके लिए शॉर्ट कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है शेडिंग, शेडिंग। चलिए ध्यान दीजिएगा, शेडिंग का इस्तेमाल कब करते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा अंतर है। तुम लोग पढ़ने वाले हैं शेडिंग ऑप्शन, शेडिंग ऑप्शन का प्रयोग हम लोग ज्यादातर उस समय करते हैं जब हमको उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड, जो पैराग्राफ है, लाइन है, बैकग्राउंड हमको कलर करना हो और तब हाईलाइट करके दिखाना हो, तो वहां पे हम लोग शेडिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको हेडिंग देते हैं, मैंने हेडिंग दे दिया यहाँ पे, और मैं थोड़ा साइज को थोड़ा क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इसका बैकग्राउंड है पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाए, तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे आएंगे और आने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बैकग्राउंड देना है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करूंगा, सेंटर करना है तो सेंटर में कर दिया, कुछ ऐसा हमारा लुक दिखाई देगा। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डाटा बना सकते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जो भी लिखना है इसके बारे में आसानी तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारे पैराग्राफ बनाए हैं, अगर अलग अलग स्टाइल देना है तो दिया जा सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं कलर दूसरा, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया कुछ ऐसा, फिर से यह व्हाइट ही रहने देते हैं और इसको हम सेलेक्ट करके कर देते हैं ग्रे, तो ऐसा भी हम डिजाइनिंग टेक्स्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या स्टाइल देना चाहते हो उस टेक्स्ट का, उस पैराग्राफ का, आप लोग दे सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है ना? अगर कोई एक शब्द में पूछे तो क्या जवाब दोगे? हाँ, जब कोई किसी लाइन का या पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट करना है, उसको कलर करना है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? शेडिंग का। और जब टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। क्लियर है ना? बोलिए, हो जाएगा? आप आसानी तरीके से करके देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है, वह ऑप्शन है बॉर्डर। मीन्स अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, अब आप चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हो, या बॉटम पे बॉर्डर लगाना चाहते हो, या टॉप पे बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा, जैसे मान लो हमने जो लिखा है या डाटा, या मैंने जो अभी बनाया तुरंत, या मैं सोच रहा हूँ ये बॉर्डर में आए एक, इसका हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और शेडिंग को कर देते हैं व्हाइट, ओके, ऐसे। अब सोच रहे इसको बॉर्डर लगा दें, तो हम यहाँ पे आएंगे और कहाँ पे लगाना है, बॉटम पे या टॉप पे या लेफ्ट में या राइट में या नो बॉर्डर या आल बॉर्डर। सपोज मुझे आल बॉर्डर लगाना था, ऐसे आल बॉर्डर कर सकते हैं, ऐसे बॉर्डर में दिखने लगेगा। अगर मैं सोच रहा हूँ नहीं नीचे ही लगाना हमको, तो मैं आप सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे बॉटम बॉर्डर। अब इसको थोड़ा नॉन करते हैं नो, और तब लगाते हैं क्या, बॉटम बॉर्डर, ऐसे कुछ ऐसा क्रिएट किया जा सकता है। फिर से मान लो हम यहाँ पे आए और हमको लिखना है, पढ़ रहा हूँ ना, कुशीनगर, तो कुछ ऐसा डिजाइनिंग करते समय इसको सेंटर कर देते थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे डिजाइनिंग करते समय, कोई टेम्पलेट डिजाइनिंग करते समय इन सारे बॉर्डरों का इस्तेमाल बार बार किया जाता है, हो जाएगा ना? अगर मान लो सपोज हम इसको आल बॉर्डर में दिखाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे आल बॉर्डर, ऐसे। मतलब आपके ऊपर है, आपको बनाना कैसे, दिखाना कैसे है, जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसका प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। तो आप लोग यहाँ तक डाटा बनाइएगा, और बनाने के बाद कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। क्या
हाँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ करना हम इंसर्ट टाइम में पढ़ाएंगे आपको। ये ऑप्शन दिया है देखो ड्रॉ करने का, ठीक है। यहाँ पे भी दिया है, इतना बेटर तरीके से समझ नहीं पाओगे तो देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं, ड्रॉ टेबल, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन सारे दिए गए हैं किसमें, इंसर्ट में, और इंसर्ट में हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। इसमें से किसी ऑप्शन में दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आया है, हमसे पूछिए, मैं उसको कई बार बताऊंगा। बोलिए।